अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को टच कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें प्लीज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं डॉक्टर वंशिका सक्सेना चैनल, जहां आपको देखने को मिलती है हेल्थ एंड नेचुरल ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मेहंदी के बारे में, वो मेहंदी जो हम बालों पर लगाते हैं। सो मेहंदी के बारे में हम ये बात करेंगे कि जब मेहंदी को लगाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलाना चाहिए, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने चाहिए, उसको कैसे वॉश करना चाहिए और कैसे उसके बाद हमें ऑयलिंग करनी चाहिए डीप कंडीशनिंग के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स के बारे में जो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें 2 ग्लास पानी लेना है, नॉर्मल वाटर हो। उसमें 4 या 5 चम्मच हमें पत्ती लेनी है। हमें उसको खौलाना है और तब तक खौलाना है जब तक वो 2 ग्लास पानी 1 ग्लास ना रह जाए। अब हम इसको जल्दी से खौला लेते हैं और फिर इसको हम छान लेंगे। तो जब तक ये खौल रही है, मतलब ब्लैक टी बन रही है, तब तक हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक टी में 1 कप कॉफ़ी से ज़्यादा कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन DHT को ब्लॉक कर देता है। DHT वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। सो इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हेयर की ग्रोथ में हेल्प होती है और हमारे बाल नेचुरली ब्लैक, शाइनी और सिल्की होते हैं। सो हमारी ब्लैक टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी हमने गैस बंद कर दिए और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे और फिर अपनी मेहंदी में यूज़ करेंगे। तो गाइस, अब ये ठंडा हो चुका है, काफ़ी देर मैंने इसको रख दिया था, फिर वेट किया था इसके ठंडे होने का। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, फिर हम अपनी मेहंदी में यूज़ करेंगे। और हाँ गाइज, ये जो पत्ती बची है इसको आप फेंकना मत, इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हो। कहीं आप लोग सोचो कि ये वेस्ट हो चुकी है, इसको फेंक दे, तो ऐसा नहीं है, आप इसको चाय में यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, अब बना लेते हैं मेहंदी का पेस्ट। अब देख लेते हैं उसमें क्या क्या डालना है, फिर उसको हम पूरी रात भर के लिए रख देंगे, देन मॉर्निंग में उसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। मैंने मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए एक तो वो ब्लैक टी ली है, नूपुर की ये मेहंदी ली है। ये 100% प्योर हिना होती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो कोई और मेहंदी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे इस पर ट्रस्ट है। थर्ड मैंने लिया है ये लोहे की कढ़ाई। इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये मेहंदी का पाउडर ही खोल लेना है, उसको कढ़ाई में डाल लेना है। सेकेंड, हम इसमें ऐड करेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारे सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी होल बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये भी बालों को नेचुरली ब्लैक करता है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, डैमेज हेयर्स में जान डालता है, आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करता है और हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये ब्लैक टी जो हमने बनाई थी वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फिर मिक्स करते रहेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इस पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। सारा एकदम से ऐड नहीं कर देना है वरना हमारी मेहंदी पतली हो जाएगी और फिर बालों में टिकेगी भी नहीं। थोड़ी ब्लैक टी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी ब्लैक टी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भी चेक कर लेना है कि इसमें कोई लंप ना रह जाए, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और गाइस, जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ होता है वो लोग मेहंदी में अगर दही और नींबू डालकर लगाएंगे तो डैंड्रफ चुटकियों में गायब हो जाएगा। और गाइस, ये जो पानी बच गया है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको रख देना है कि हो सकता है जब अगले दिन हम मेहंदी को लगाएं तो मेहंदी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, तो उसको पतला करने के लिए हम इस पानी को रख देंगे। तो गाइस, अब इस मेहंदी के पेस्ट को हमने ओवरनाइट के लिए रख देना है और सुबह उठकर हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं पूरी रात भर के लिए, फिर मॉर्निंग में दिखाती हूँ कैसी हो जाती है। सो गाइज, ये मॉर्निंग में हमने देखा तो ये साइड साइड में ब्लैक हो चुका है और मेहंदी का कलर भी थोड़ा डार्क हो चुका है। सो अब बात करते हैं कि हमने लोहे की कढ़ाई में क्यों रखा था इसको। हमने लोहे की कढ़ाई इसलिए ली थी क्योंकि आयरन ब्लैक कलर छोड़ता है। सो आयरन के बर्तन में मेहंदी रखने से हमारे बाल बिना किसी डाई या फिर कलर यूज़ किए नेचुरली ब्लैक हो जाते हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे एग। सो गाइज, हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है एग। एग ड्राई हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है। एग में ओमेगा 3 प्रोटीन एंड बायोटिन होता है जो हेयर्स को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी एंड स्ट्रेट बनाता है और एग से बाल लंबे सुंदर होते हैं।
एग में प्रोटीन होता है, मतलब कैरेटिन, प्रोटीन मतलब कैरेटिन। हम इतना महंगा कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे अच्छा है हम घर पर ही बिना ज्यादा पैसे खर्च किए होममेड कैरेटिन ट्रीटमेंट क्यों ना कर लें। मैं उस रेमेडी को खुद यूज करती हूँ, उसके रेगुलर यूज से हमारे बाल नेचुरली सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने होममेड कैरेटिन ट्रीटमेंट की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग जल्दी से जाके उसकी रेमेडी चेक करें, वो कैसे होता है, कैसे बनता है, और खुद यूज करके देखें कि वो कितना अच्छा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। आई होप वो रेमेडी आप जरूर एक बार यूज करके तो देखेंगे, क्योंकि सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हेयर कौन नहीं चाहता। सो गाइज, अब बात करते हैं मेहंदी लगाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। मेहंदी लगाने से हेयर ग्रोथ की स्पीड नेचुरली इंक्रीज होती है। मेहंदी लगाना हेयर फॉल में भी बहुत बेनिफिशियल होता है। मेहंदी में एग डालकर लगाने से हमारे बालों की डीप कंडीशनिंग हो जाती है। मेहंदी में अगर दही और नींबू डालकर लगाओ तो डैंड्रफ चुटकियों में गायब हो जाता है। मेहंदी उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है जिन लोगों को बिना किसी वजह से स्कैल्प पर खुजली होती रहती ये है। ये स्प्लिट एंड्स को भी नेचुरली रिपेयर करने में हेल्प करता है। जिन लोगों के बाल थिन और बेजान होते हैं उन लोगों को मेहंदी मंथ में एक बार तो जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाने से आपके बाल थिक और सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। और हाँ गाइस, कुछ लोग जब मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं तभी वो लोग उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेहंदी का कलर होता है वो बालों पर अच्छे से नहीं आ पाता है। आगे बताती हूँ मैं आपको कि ऑयल हमें कब लगाना चाहिए। अब मैं इसको अपने बालों पे लगा लेती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ, साथ ही मैं बात करूँगी इसको कैसे वॉश करना चाहिए। तो गाइज, मैंने अब इसको अपने बालों पर लगवा लिया है, अच्छे से सारे बाल कवर कर लिए हैं मेहंदी से। सो गाइज, 3 से 4 घंटे मेहंदी को अपने बालों में रखने के बाद हमें नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करने हैं, और हेयर वॉश करने के बाद जब हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे तब हमें ऑयलिंग करनी है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें अपने बालों पर शैम्पू करना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग कैरेटिन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना अगर आप लोग चाहो तो, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो पास में बेल आइकन है उसको हिट करना, जिससे मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।